एक दिन स्पेशली पापा के लिए ये झींगे ले गया था मैं। तो वैसे तो वो मतलब ये समझ लो कि बचपन से ही चिकन वगैरह खाते हैं, चिकन मतलब फिश वगैरह मटन वगैरह, लेकिन उनको लाइफ में पहली बार ये स्पेशली मैं परचेज़ करके ले गया था। उनसे पूछ के कि उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं भी टेस्ट करके देख लूँगा कैसे लगते हैं, बट उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी इनको खाने के बाद, भाई खपते ही नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज संडे है भैया, तू उदास क्यों बैठी है, ले जाएंगे तुझे यार, आज संडे है, आज थोड़ा लेट जाएगी। इसको सुबह सुबह 6 बजे समथिंग घुमाने ले जाते ना बाहर, तो आज संडे है, तो संडे को क्या है थोड़ा जो भी काम होता है थोड़ा लेट ही होता है। अभी बज रहे हैं 11:15 और ऑलमोस्ट 10:30 बजे मैं उठा हूँ। अभी फेस देख के भी आपको, आँखें देख के भी समझ में आ रहा होगा, तो 15 मिनट हुए हैं अभी हमें उठे हुए। तो आलू तो रख दिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, तो चलो आज संडे की शुरुआत करते हैं। ये रखे हैं आलू उबलने के लिए, और सर्दी का टाइम है तो गर्मा गर्म पानी सुबह सबसे पहले। पानी पीने के बाद अब जो सुबह सुबह बादाम खाता हूँ ना भीगे हुए रात के, तो अब इनकी बारी है। तो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, भीतर नहीं पानी लाई नहीं पानी लाया हूँ मुँह धो लो। अरे इसको टिप चाहिए होती है, नींद कैसी आई, सर्दी तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं, मैं तो शांति से उठ जाओ। तो पूरी मूवी कल खत्म कर दी? बहुत जलवा है भाई तुम्हारा, ट्रीट के लिए खड़ी है, हैं? ट्रीट के लिए खड़ी है, डाउन हाई फाई हाई फाई। ओह नाखून मार देती है ये, इधर आओ चलो हमारे दर्शकों को दिखाओ तुम क्या क्या करती हो ट्रीट के लिए, आ जाओ। पहले से डाउन हो गई, इसे पता डाउन पे मिलते पहले डाउन हो गई, हाई फाइव। सिट 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 डाउन 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 ठीक सो डाउन नाइस। नाश्ता नाश्ता नाश्ता, आलू के पराठे नाश्ता, हटो टैक्सी, हटो हटो यहाँ से, बिल्कुल हटो, मुझे बैठने दो। तो यहाँ पर नाश्ता अपना स्टार्ट हो गया है, चाय तो रह गई थी तो चलो अब नाश्ता तैयार। कल का बताता हूँ, कल मेरा शनिवार को डिनर में पता क्या था, कल शनिवार को डिनर में था क्यों, गोभी के पराठे है ना, हाँ गोभी के पराठे और चाय, और आज मॉर्निंग में ये देख रहो ऐसे बनती है बॉडी भाई, ठीक है किसी गलत फहमी मत रहो, खूब दबा कर खाओ। चलो 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 चल चल चल। मेरा नहाने का टाइम हो गया है और मैं क्या करूँगा, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दूंगा, तो क्या है एक तरफ मेरे कपड़े धुलते रहेंगे और दूसरी तरफ मैं नहा भी जाऊँगा, तो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। वैसे इतने से हो जाना चाहिए यार, अभी क्या हुई, चालू हो गया। और आज काफ़ी महीनों के बाद ये हमारे घर की डेंटिंग पेंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये क्या भाई, पी ओ पी। अच्छा ये कितने दिन में हो जाएगा, मतलब कितने टाइम में हो जाएगा ये सारा, ये मतलब अभी हो जाएगा, मतलब सीमेंट वगैरह सारा? अच्छा अच्छा यही होता, अच्छा डायरेक्ट यही चिपक जाएगा ये, मतलब थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता ताकि ये छूटे नहीं। अच्छा मजबूती के लिए, हाँ ये मजबूती के लिए। तो चलो काफ़ी लंबे समय के बाद स्टार्ट तो हो गया है। ये दोनों चीज़ रोकता है, सीडन को और उसको मजबूती से, टूटेगा नहीं मतलब। अच्छा अच्छा, सीढ़न को भी रोकेगा और मजबूत भी रहेगा, कुछ चीज भी लग जाएगी ना इस पे। अच्छा तो ये टूटेगा नहीं। अरे पता है कितना इतना वीक था कि ये मतलब इसमें टच हो जाए ना कहीं से, जैसे बॉडी टच हो जाए पैर टच हो जाए ना तो हाल झड़ जाता था। ये देखो ये पूरा एक साइड अपना ये काम चल रहा है और एक साइड ये कपड़े अपने ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। तो यहाँ का तो काम हो गया है, अब जा रहे हैं दूसरी जगह, तब तक यहाँ का फ़ैन चला देते हैं। भाई फ़ैन चलाने को बोला था, ये चला दिया फ़ैन। अभी बज रहे हैं 3 और मॉर्निंग में पराठे तो लेट खाए थे तो इस वजह से लंच बना नहीं, तो प्रोटीन भी के काम चला रहे हैं। देखो भैया काम चालू है, भैया लगे पड़े अपने काम करने में। अभी डिनर का टाइम हो रहा था, अभी चाय पी के आया हूँ, तो डिनर का टाइम हो रहा था तो सडनली मेरे को लगा कि यार चिकन खाने का मन हो रहा है। तो जो स्पेक्ट्रम मॉल है ना, जो मैं अपने कई ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, तो स्पेक्ट्रम मॉल बिल्कुल पास में है, तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ चिकन लेने। तो
वैसे तो सब्जी रोटी बननी थी बट मेरा सडनली प्लान हो गया चलो आज चिकन खाते हैं, तो चलो चिकन लेने जा रहा हूँ मैं। चलो 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 जल्दी जा रहा हूँ, खाना बनाने वाली मेट ना आ जाए क्योंकि अगर मेट आ गई ना खाने बनाने वाली तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को, तो इसलिए जल्दी। यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम स्पेक्ट्रम मॉल के अंदर, कौन सा ये स्पार, डेढ़ किलो चिकन। चिकन का ऑर्डर दे दिया था तो वहां पर हमारा चिकन तैयार हो रहा है। एक दिन स्पेशली पापा के लिए ये झींगे ले गया था मैं, तो वैसे तो वो मतलब ये समझ लो कि बचपन से ही चिकन वगैरह खाते हैं, चिकन मतलब फिश वगैरह मटन वगैरह, लेकिन उनको लाइफ में पहली बार ये स्पेशली मैं परचेज़ करके ले गया था उनसे पूछ के, कि उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं भी टेस्ट करके देख लूँगा कैसे लगते हैं, बट उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी इनको खाने के बाद, भाई खपते ही नहीं है। ये देखो अलग अलग तरीके से सफर, तो यहाँ पर पैक होके आ चुका है अपना चिकन। मैगी 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 ये रखी, अरे ये रही, एक पूरा पैकेट उठाता हूँ सिर्फ एक बस। और चिकन और मैगी लेने के बाद अब टाइम है अपना आलू भुजिया का, तो चलो आलू भुजिया लेने चलते हैं। भाई पूरा देख लिया आलू भुजिया का, छोटा वाला पैकेट तो नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ बड़ा ही वाला मिल रहा है, मंगाया छोटा वाला था लेकिन अब बड़ा वाला लेके जाना पड़ेगा, इधर भी नहीं है तो चलो बड़ी वाला उठा लेते हैं। तो ये तीन चीज़ों के लिए, ये देखो भीड़ ही भीड़ भीड़। और फाइनली अपना नंबर आ गया है बिलिंग का, तो ये बिलिंग हो गया, बिलिंग चेक करा ले। लो भैया बिल चेक कर लो हमारा, ये तीन ही आइटम है, ठीक है ओके थैंक यू। तो चलो सामान लेके आ गए हैं जल्दी से, चिकन वगैरह सारा, बट एक गड़बड़ हो गई है, मेड आ गई हैं। चलो सामान लेके आ तो चुके हैं लेकिन मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि खाना बनाने वाली मैम मैडम आ गई हैं, मैम मैडम जो भी है वो आ गई हैं और मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं जल्दी से जल्दी। तो भाई लेट तो हो गया था लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मॉल से चिकन लाने के बाद मैंने दे दिया है, तो अब वो बन रहा है। तो चलो ये आज का ब्लॉग संडे का मेरा इतना ही था, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।